अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर हेयर फ्रॉम होम अटायर। और आज की वीडियो में हमारे पास जो न्यू कलेक्शन आया है मग से रिलेटेड, कप से रिलेटेड, आपको वो दिखाएंगे, ठीक है ना। सर्दी आ गई है, कॉफ़ी का ज़माना है, तो थोड़े से ज़्यादा जो बड़े साइज़ के मग्स होते हैं वो चलते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड आज आपको बहुत सारा कलेक्शन दिखाएंगे, ठीक है। और तकरीबन एक या दो डिज़ाइन जो है वो पुराने हैं, बाकी तमाम न्यू डिज़ाइन आए हैं। मैंने अपनी चार वीडियोज़ ऑलरेडी मग्स के ऊपर बना चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था और तमाम स्टॉक जो है वो सोल्ड हो गया था। अब नया कलेक्शन आया है, आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, मैंने इन तमाम जितने भी हाउस होल्ड से रिलेटेड हमारे पास और किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है ना। अपनी लास्ट 3-4 दिन हो गए मैंने ये वीडियो अपलोड की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी आप लोगों का रिस्पांस अच्छा है। तो ये आपके लिए ये वाली वीडियो बना रहा हूँ और आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो आप लोग जो है वो इतना सपोर्ट करते हैं और मोटिवेशन देते हैं कि आप लोगों के लिए और मज़ीद जो है वो वीडियोस बनाऊं। तो जनाब इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। आज की वीडियो में आपको मग्स और कप से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। सबसे पहले ये देख लें, अच्छा इसके अंदर हमारे पास कुछ इंपोर्टेड हैं और कुछ जो है वो लोकल हैं, ठीक है ना। इंपोर्टेड जो है वो महंगे होते हैं और अगर मैं आपको दिखाऊँ, ज़्यादातर जो है वो सर्दियों में जो है वो कॉफ़ी से रिलेटेड होता है, तो ज़्यादा लार्ज वाले जो मग्स होते हैं ना वो ज़्यादा डिमांड में होते हैं। तो आज आपको ये तमाम वैरायटी दिखाता हूँ। अच्छा सोबर सिंपल यानी कि प्लेन डिज़ाइन के अंदर होते हैं ज़्यादातर हमारे पास, ठीक है ना। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ये बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन और फिनिशिंग वाइज बहुत बहुत एक्सेलेंट क्वालिटी के अंदर है, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको दिखाऊँगी, देखें ये वाला जो मेरे हाथ में है ना, ये वाला जो है वो इंपोर्टेड है और जितने भी यहाँ पर ये सारे लगे हैं ना, ये सब लोकल हैं, ठीक है ना। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है फिनिशिंग के अंदर, मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी। ये देखें इसकी फिनिशिंग, देखें बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन फिनिशिंग के अंदर ये मौजूद है। इसमें ये सारे डिज़ाइन, सॉरी ये सारे कलर इसके अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। इस ईच की प्राइस जो है वो 250 रुपीज़ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो कलर्स हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें इसमें रेड कलर है, इसमें जो है वो ब्लैक कलर है, इसमें ऑरेंज कलर है, इसमें ब्लू कलर है और इसमें रेड कलर है। ये तमाम स्टॉक जो है वो लिमिटेड है, ठीक है ना। लास्ट टाइम भी जो है वो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी, तो दूसरी वीडियो लोग देख रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा पुरानी वाली वीडियो में देखें कि वो वाले मग्स दें, जबकि वो ख़त्म हो चुके थे ऑलरेडी, ठीक है ना। और ये अभी जो है वो जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी लगे हैं, ये वाला भी पाकिस्तानी है, ये वाला भी पाकिस्तानी है, ये तमाम जो है वो पाकिस्तानी मग्स हैं, ठीक है ना। इसकी ईच की प्राइस जो है वो 170 रुपीज़ है, ये देख सकते हैं। और ये जितने भी हैं ये 150 रुपीज़ के हैं, ये देख सकते हैं, ये प्लेन के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंपोर्टेड जो है वो बड़े साइज़ के अंदर मग्स हैं, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, देखिए ये तमाम डिज़ाइन, ठीक है। इसकी ईच की प्राइस जो है वो 300 रुपीज़ है, ये इंपोर्टेड है ये वाले, ठीक है, ये देख सकते हैं। ये 300 रुपये का एक मग है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें इस तरीके से, ये मग के हैंडल जो है वो थोड़े से आपको मे बी विजिबल ना हो, ये तमाम के अंदर हैंडल है। इट्स जस्ट के स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं ताकि बराबर बराबर तमाम जो है ना मग्स लग जाएँ, ठीक है, ये देख सकते हैं। ये तमाम डिज़ाइंस हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये देखें ये जितने भी बड़े साइज़ के हैं इसके अंदर, ये 300 रुपीज़ के हैं यहाँ तक। उसके बाद जो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं ये वाले, ठीक है, इसका स्टॉक तकरीबन ख़त्म पे है, खाली ये वाला डिज़ाइन शायद आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी तमाम जो है इसका स्टॉक ख़त्म है, 1-2-3 मग ही पड़े हुए हैं यहाँ पर इसके, बाकी तमाम स्टॉक इसका ख़त्म हो गया। दोबारा नया स्टॉक इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा, लेकिन इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है ये जो आपको 270 रुपीज़ का ईच पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो हमारे पास लोकल पाकिस्तानी होते हैं छोटे वाले साइज़ में, ठीक है, ये देख सकते हैं, इसमें कुछ आपको जो है वो 450 के 6 पड़ेंगे, कुछ आपको 550 के 6 पड़ेंगे, ठीक है, ये देख सकते हैं। ये कुछ डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास मार्बल के अंदर भी होते हैं, अच्छा इसके अंदर हमारे पास कुछ डिज़ाइन है, ये आप देखें, ठीक है, ये मार्बल के अंदर है, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये तमाम जो है वो डिज़ाइन है मार्बल से रिलेटेड, ठीक है। इसके प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो अगर आपको इसमें से कोई भी डिज़ाइन समझ में आए तो हमें व्हाट्सएप ज़रूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको जो है वो प्राइसेस इसके बता देंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, 0331-204-9925, ठीक है। और इसके अलावा और मज़ीद जो है वो मग्स वगैरह भी होते हैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड और ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए, ये देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा हमारे पास एक ये आया है कॉफ़ी के लिए बेसिकली, ठीक है, ये देखें वैक्यूम होता है ये अंदर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें इस तरीके से ये ओपन वगैरह हो जाता है, इसके अंदर कॉफ़ी वगैरह आ जाती है। बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी फिनिशिंग के अंदर है, ये खुल गया है, 1 सेकेंड मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ये अंदर से आप देख सकते हैं इसका, ठीक है। और ये आपका गर्म रहेगा, इसके अंदर कॉफ़ी वगैरह जो भी आप रखेंगे ये आपका गर्म रहेगा। तो जनाब ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैंने आपको जितने भी मग्स वगैरह कप्स की वैरायटी दिखाई है, अगर अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल होम अटायर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में जो हमारे पास ग्लासेस की भी न्यू वैरायटी आई है आपको वो भी दिखाएंगे, ठीक है ना।
और अच्छा कुछ कुछ मग्स वगैरह जो है वो ये भी हैं, ठीक है, ये प्योर शीशे के अंदर होते हैं, इट्स जस्ट यू नो आप इसके अंदर शेक वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, मेहमानों वगैरह के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छे यू नो डिज़ाइन के अंदर हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो वो हमको व्हाट्सएप ज़रूर कर सकते हैं, आपको दिखा देंगे फिर, ठीक है ना। तो जनाब ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में और मजीद हाउस होल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का हाजिर होंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।